हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आज बनाते हैं हम, ये है बेल, तो इनका बनाएंगे हम जूस। तो इनका जूस बहुत गर्मियों में बहुत ठंडा रहता है, फ़ायदेमंद। तो इनका जूस बना के पीना अच्छा होता है, तो मैं बना लेती हूँ। काल लेके आए थे, शायद आधा किलो का एक ही है। और इनको थोड़ी से तोड़ना पड़ता है। तो ये अंदर से होता है ऐसा, तो चलो निकाल देते हैं। ये तो पक्का भी हो जाता है, ऐसे निकलते ही है। जोर तो बहुत आता है, क्या करें। ओफा, नारियल से भी पक्का होता है। दोनों को ऐसे साफ कर दिया, पूरा निकाल लिया है अंदर से। अंदर डालेंगे एक लोटा पानी। तो ये हाथ से भी बन सकता है, लेकिन मैं इनको हैंड ब्लेंडर से बनाऊंगी। को अच्छे से ग्राइंडर से महीन जूस बना के और दूसरे बर्तन में छान लेंगे इसको, और ये जूस बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने दूसरे बर्तन में छान लिया इनको, और अब करेंगे आगे चीनी और नमक डाल के जूस को तैयार। तो नमक डाल दिया है मैंने, और चीनी को भी डाल दिया है। बीन को मिक्स करेंगे चम्मच से, बहुत स्वाद होता है ये और फायदेमंद बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक बार आवे इन गर्मियों में बना के ज़रूर से पीजिए, बहुत फायदेमंद होता है। तो हमारा जूस तो बन के तैयार हो चुका है, थोड़ी सी मैंने आज डाली है इसके ऊपर। तो हमारा जूस बन के हो गया तैयार, और इन गर्मियों में आप भी एक बार ये जूस बना के ज़रूर पिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है गर्मियों में। तो मेरी रेसिपी आप लोग करिए ट्राई, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए आप, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।